बदलते मौसम के चलते इन दिनों वायरल फीवर और आई फ्लू जैसी बीमारी लगातार पैर पसार रही है। स्वास्थ्य महकमा मौसम की इस बीमारी पर काबू पाने के लिए लगातार अपना काम करता दिखाई दे रहा है, मगर पंचायत पाकवाड़ा के स्वास्थ्य केंद्र पर इन दिनों मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। मौके पर मौजूद रहे फार्मासिस्ट द्वारा बताया गया कि यहां पर सबसे ज्यादा रोगी आंखों की बीमारी को लेकर पहुंच रहे हैं, जिनको दवाइयां दी जा रही हैं और उनसे एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। आपको बताते चलें कि इन दिनों वायरल फीवर और आई फ्लू जैसी बीमारी लगातार पैर पसार रही है। स्वास्थ्य महकमा लगातार इस बीमारी पर काबू पाने के लिए काम करता दिखाई दे रहा है। अगर हम बात नगर पंचायत पागबाड़ा की करें तो पागबाड़ा के स्वास्थ्य केंद्र पर लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। यहां पर आने वाले मरीज वायरल फीवर को लेकर परेशान हैं। स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात डॉक्टर दो अलग अलग स्थानों पर अपनी ड्यूटी करते हैं। स्वास्थ्य केंद्र पर ये परमानेंट चिकित्सक की तैनाती की मांग पागबाड़ा की जनता लगातार कर रही है। मरीजों को दवाइयों का वितरण कर रहे फार्मासिस्ट से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि लगातार मरीज बढ़ रहे हैं और हम प्रत्येक मरीज को दवाइयां उपलब्ध करा रहे हैं, साथ ही उन्हें इस बीमारी से बचने की सलाह भी देते हैं। सफाई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि गंदगी के द्वारा कई बीमारियां पैदा होती हैं। इसलिए अपने आसपास का माहौल साफ रखें, साफ कपड़े पहनें। अगर आंखों में कुछ परेशानी है तो आंखों को हाथ ना लगाएं, तेज धूप से बचें, जैसी सलाह दी जा रही है। इस समय जो सीजन चल रहा है बीमारी का, वो आई फ्लू का है, कंजक्टिवाइटिस। किस तरह फैल रहा है ये और क्या सलाह दे रहे हैं? ये जो है जैसे बारिश हुई है उसके बाद अचानक से गर्मी बढ़ जाती है तो मौसम में नमी आ जाती है, तो उसमें वायरस पैदा हो जाता है, जिससे क्या आंखों में सूजन, चुभन, खुजली, इस तरह की परेशानी आती है। इसका उपचार यह है, एक तो अगर जो हमारे पास हॉस्पिटल आ जाते हैं पेशेंट, उन्हें हम डालने के लिए दवाई देते हैं, आंखों में आई ड्रॉप डालते हैं और खाने के लिए एक एंटीबायोटिक दवाई देते हैं। साथ में ये बताते हैं कि भाई क्या क्या परहेज करना चाहिए, बार बार आंखों से हाथ नहीं लगाना है और मरीज को जो अन्य परिवार के सदस्य हैं उनसे दूर बैठना है, ये फैलने वाली बीमारी है एक दूसरे को, और जो है बार बार आंखों से हाथ नहीं लगाना है, कपड़ा नहीं रगड़ना है, बस साफ सफाई की इसमें विशेष ध्यान रखना है, किसी का तौलिया यूज नहीं करना है, किसी का रुमाल यूज नहीं करना है, अपना ही तौलिया, साबुन, रुमाल सब कुछ अपना ही यूज करना है।